बुलेटिन की शुरुआत टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी की खबर के साथ, क्योंकि कश्मीर और लद्दाख में 15 दिन की आर्मी ट्रेनिंग के बाद वापस दिल्ली लौट आए हैं धोनी। और क्रिकेट के मैदान पर कुछ ही दिनों में फिर से धमाका देखने को मिल सकता है धोनी का। 15 दिन की आर्मी ट्रेनिंग से लौटने के बाद धोनी सबसे पहले किससे मिले और कैसे मिलकर भावुक हो गए धोनी, आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे और इस पर करेंगे चर्चा अपने क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह से, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। बॉर्डर पर हुआ धोनी का धमाका, आर्मी मैन बनकर धोनी ने मचाया धमाल। पूरा हुआ माही का मिशन कश्मीर। 18 दिन बाद बेटी जीवा से मिले धोनी। धोनी रिटर्न्स। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी की आर्मी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। कश्मीर और लद्दाख में सेना के वीर जवानों के साथ 15 दिन तक धमाल मचाने के बाद धोनी वापस दिल्ली लौट आए हैं। और फौज की ट्रेनिंग के बाद जब धोनी वापस लौटे तो बेटी जीवा के साथ उनकी भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, क्योंकि एयरपोर्ट पर धोनी के स्वागत के लिए पत्नी साक्षी और बेटी जीवा पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। और आर्मी ट्रेनिंग से वापस लौटने के बाद धोनी ने सबसे पहले बेटी जीवा को गले लगाया। लंबे समय बाद पापा धोनी से मिलने के बाद जीवा भी कसकर उनसे लिपट गई। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से फौजियों वाली पैंट और ब्लैक टी शर्ट पहने धोनी की गोद आराम से सोई हुई है जीवा। इसके अलावा धोनी की और भी कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें धोनी आर्मी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद सेना के अधिकारियों के साथ हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि धोनी को ले एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आर्मी के अधिकारी आए हुए थे। इसके बाद एयरपोर्ट पर एक आम आदमी की तरह चेकिंग करवाते भी धोनी नजर आए। धोनी ने 30 जुलाई को अपनी 106 टीए बटालियन ज्वाइन की थी और 31 जुलाई से श्रीनगर में विक्टर फोर्स के साथ धोनी की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। आर्मी ट्रेनिंग के दौरान धोनी ने पेट्रोलिंग, गार्ड और पोस्ट ड्यूटी की जिम्मेदारी निभाई, तो छोटे हथियार को चलाने की ट्रेनिंग भी ली। धोनी ने इस आर्मी ट्रेनिंग के लिए वर्ल्ड कप के दौरान ही बीसीसीआई से 2 महीने की छुट्टी ले ली थी और आर्मी ट्रेनिंग की वजह से ही धोनी ने वेस्टइंडीज दौरे से भी किनारा कर लिया था, क्योंकि धोनी सिर्फ नाम के लेफ्टिनेंट कर्नल ही बनना चाहते हैं। और इसी वजह से धोनी ने ट्रेनिंग के लिए अपनी टेरिटोरियल आर्मी में उस विक्टर फोर्स को ज्वाइन किया जो आतंक प्रभावित इलाके में काम करता है। और बगैर किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के धोनी ने अपनी आर्मी ट्रेनिंग पूरी की। अपनी ट्रेनिंग के दौरान धोनी ने एक जवान की तरह सुबह की पीटी परेड से लेकर ऑफिस ड्यूटी, हथियार चलाने की ट्रेनिंग और शाम को खेलकूद में हिस्सा लिया। 15 दिन की आर्मी ट्रेनिंग के दौरान धोनी ने कई छोटे बड़े हथियार को चलाने की भी ट्रेनिंग ली, जिसकी तस्वीरें उनके फैंस को काफी पसंद आई। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे धोनी हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहीं इस दूसरी तस्वीर में निशाना लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि धोनी ने गोला बारूद चलाने का प्रशिक्षण भी लिया। धोनी जितने भी दिन जवानों के साथ रहे उनके लिए किसी तरह का कोई स्पेशल इंतजाम नहीं किया गया था। धोनी ने आर्मी ट्रेनिंग के दौरान हर वो काम किया जो सेना के जवान करते हैं। धोनी सेना के कैंप से एक छोटे से कमरे में रहे तो खुद ही मैस में अपने जूते पॉलिश करते हुए नजर आए। आर्मी ट्रेनिंग के दौरान धोनी के बूट पॉलिश की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। धोनी ने क्रिकेट की जगह जवानों के साथ वॉलीबॉल खेलकर उनका मनोबल बढ़ाया और वॉलीबॉल में भी धोनी का प्रदर्शन शानदार रहा। धोनी ने आर्मी ट्रेनिंग के दौरान वॉलीबॉल के साथ क्रिकेट भी खेला। वहीं लद्दाख में महेंद्र सिंह धोनी सेना के जवानों के साथ ट्रेडिशनल डांस करते हुए भी नजर आए। वहीं कश्मीर में 13 दिन की आर्मी ट्रेनिंग करने के बाद धोनी आखिरी की ट्रेनिंग के लिए हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बने लद्दाख भी गए, जहां धोनी ने लेह के आर्मी हॉस्पिटल में जाकर वहां इलाज करा रहे जवानों के साथ भी काफी वक्त बिताया और उनका मनोबल बढ़ाया। धोनी का ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी जवानों के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। धोनी जवानों से बात कर रहे हैं और जवान काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस दौरान धोनी ने अपनी स्पेशल फोर्स की ड्रेस पहनी हुई है और उनके एक हाथ में चाय और दूसरे हाथ में सैंडविच है। इसके बाद धोनी ने 15 अगस्त को सेना के जवानों के साथ तिरंगा लहराकर लद्दाख की आजादी के साथ हिंदुस्तान की आजादी की 73वीं सालगिरह का जश्न भी मनाया और फिर माही ने सियाचिन जाकर देश के वीर जवानों को भी नमन किया। आर्मी ट्रेनिंग के आखिरी दिन धोनी ने सियाचिन वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। धोनी के लिए सेना के साथ 15 दिन की ट्रेनिंग हमेशा के लिए यादगार बन गई है।
क्योंकि धोनी ने इस दौरान जहां एक आर्मी मैन बनकर सेना की हर बारीकी को सीखा, तो वहीं धोनी कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटने के ऐतिहासिक लम्हे का गवाह भी बने। और जब कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया तो सोशल मीडिया में ये कहा जाने लगा कि क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर ने कश्मीर के आतंक को फिनिश कर दिया है। साफ है, आर्मी मैन बनकर धोनी जितने भी दिन कश्मीर में रहे उन्होंने हर हिंदुस्तानी का दिल जीत लिया और आर्मी मैन बनकर धोनी को हर कोई सलाम कर रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि धोनी जहां भी जाते हैं, जिस भी काम को करते हैं, पूरी लगन से करते हैं। और आर्मी मैन के तौर पर जब गए थे यहां पर जम्मू कश्मीर में, तो वहां पर भी पूरे डेडिकेशन के साथ वो काम करते हुए नजर आए। मनिंदर जी, महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से अपने काम में जुट जाते हैं, लगता है कि फिनिश करके ही लौटेंगे और एक बार फिर से ऐसा ही देखने को मिला और एक बार फिर से अब क्रिकेट का मिशन भी शुरू होगा। बिल्कुल, मैं भी सोशल मीडिया पे यही चीज़ देख रहा था कि सभी लोग ये कह रहे थे कि पहले मैदान के ऊपर मैचेस फिनिश करके आया करते थे और अब जम्मू कश्मीर गए तो 370 धारा 370 खत्म करके ही लौटे हैं। लेकिन मुझे बड़ी इनकी एक चीज़ खूबसूरत लगती है, जो भी करते हैं बड़े पैशन के साथ करते हैं, क्योंकि हमने क्रिकेट के मैदान पर तो धोनी को देखा कितने पैशन के साथ वो क्रिकेट खेले इंडिया के लिए और इसी वजह से उनको इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। और फिर अब यहाँ पर केवल नाम के लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं कहलाना चाहते थे बल्कि वो ट्रेनिंग भी उन्होंने पूरी की। और कितनी बढ़िया बात है कि कोई किसी तरह की स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं थी। और एक एडवांटेज और भी हुआ कि जवानों के बीच में एक इंडिया का हीरो, क्रिकेट हीरो जाकर जब वक्त बिताए तो उनका भी हौसला बढ़ता है। सो कई चीज़ें इसमें ऐसी आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव निकल के आई हैं जो धोनी ने किया। बिल्कुल, यहाँ पर यह भी कई तस्वीरों में साफ जाहिर हुआ कि एक सामान्य सैनिक की तरह एक्टिविटीज़ करते हुए नजर आए थे, यानी कहीं से भी नहीं लग रहा था कि कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हें चाहिए थी। और कुछ वैसा ही बर्ताव क्रिकेट के मैदान पर भी देखने को मिलता है। करुण, अगर स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होती तो वहाँ जाते ही नहीं, क्योंकि उनको भी पता था कि वहाँ पर जा रहे हैं, जिस तरह का डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन के साथ उनको रहना होगा और वो मेंटली पूरे तैयार होकर गए थे। सो ये मेंटल स्ट्रेंथ भी बताती है एक इंसान की, एक खिलाड़ी की। इतना नाम कमा लेने के बाद आपको पता है कि आपको अपने जूते भी खुद पॉलिश करने पड़ेंगे, अपना बिस्तर भी खुद लगाना पड़ेगा, अपने कपड़े भी खुद धोने पड़ेंगे। ये इसके लिए बहुत मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि इतनी आराम की ज़िंदगी जीने के बाद, आराम की ज़िंदगी यानी प्रेशर में तो जिए हैं लेकिन इतनी आराम जो मैदान के बाहर का जो आराम है, आप होटल्स में रह रहे हैं, फाइव स्टार होटल्स में रह रहे हैं, आपके कपड़े धुल के आ जाते हैं, आपको ये सब करना नहीं पड़ता, आपको खाना बना बनाया मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर अपना हर काम खुद करना, उसकी तैयारी करना मेंटली, ये बहुत क्रेडिटेबल। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आप खेलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं और ऐसा लगता है कि पूरे तरीके से महेंद्र सिंह धोनी को बहुत ज़्यादा तैयारी की भी ज़रूरत नहीं उसके लिए। मैं इंतज़ार करूँगा वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उन्होंने क्रिकेट से 2 महीने का ये ऑफ तो लिया, आर्मी में गए, वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह तो की, अब उनका माइंड फ्रेश होगा सोचने के लिए कि अब मुझे करना क्या है, क्या मुझे रिटायरमेंट लेना है, क्या मुझे क्रिकेट और खेलना है। हालांकि उनके फ़ैन होते हुए हम चाहेंगे कि वो क्रिकेट के मैदान के ऊपर आएँ, खूब मेहनत करें और अगला कम से कम 2020 का वर्ल्ड कप तो खेलें। केवल खेलें ही नहीं, जो धोनी जिसको हम जानते हैं फिनिशर के रूप में, वैसे मैचेस फिनिश करके इंडिया को जिताएं और तब चले जाएं तो फिर इतना दुख नहीं। बिल्कुल, और कुछ इसी मिशन के साथ जो है महेंद्र सिंह धोनी आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं।